काजोल ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के बलबूते पर बॉलीवुड में बहुत नाम कमाया, लेकिन ये एक्टिंग का कीड़ा उनमें उनकी माँ तनुजा से आया है। तनुजा भी अपने ज़माने की दिलकश एक्टर थीं। तनुजा की माँ शोभा समर्थ और बड़ी बहन नूतन हिंदी फिल्मों की बड़ी स्टार थीं, इसलिए तनुजा का भी हीरोइन बनना लाजमी था। तनुजा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म मेकर केदार शर्मा की फिल्म हमारी याद आएगी से की थी। तनुजा को लगा था कि उनकी माँ और बहन तो बड़ी स्टार हैं ही, इसलिए वो भी सुपरहिट हीरोइन बनेंगी, लेकिन तनुजा गलत निकली। पहली फिल्म में ही उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने सोचा तक नहीं था। तनुजा को 1960 में उनकी माँ शोभना समर्थ ने फिल्म छबीली से लॉन्च किया था, लेकिन उस दौरान तनुजा इतने नखरे दिखाती थी कि पूरी यूनिट उनसे परेशान थी। ये सब उन्होंने केदार शर्मा की फिल्म में भी किया था। तनुजा हर समय हंसी मजाक में बिजी रहती थी, जबकि ये सब केदार शर्मा को बिल्कुल पसंद नहीं था। फिल्म में एक सीन में तनुजा को रोना था, लेकिन वो बार बार हंस पड़ रही थी। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। तनुजा अपने काम को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती थी। तनुजा ने केदार शर्मा से कहा कि आज मेरा रोने का मूड नहीं है। इसी बात से नाराज होकर केदार शर्मा ने तनुजा को जोरदार तमाचा जड़ दिया। ऐसे में वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर पूरी टीम सन्न रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।